सबसे पहले हमें आपके नुकसान पर अफसोस है। जब हमारे फौजियों ने उन्हें हथियार डालने के लिए कहा तो उन्होंने गोलियां चला दी। अगर वो हथियार डाल देते तो फिर वो अपनी जान से ना जाते। हमारे शौहर यूनानी जंग में इस फौज के लिए लड़े थे, रियासत के साथ वफादार थे। लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने ईसाई ओहदेदारों को कत्ल किया था। उन्होंने अपने दोस्तों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी, यानी उन्होंने अपनी गलती तस्लीम नहीं की थी। नहीं सुल्ताने मौसम, हमारे शौहर अपनी रियासत के साथ वफादार थे। तो फौजियों को कत्ल क्यों किया? वो हमारे बच्चों के जरिए हमें धमकाते थे। उन्होंने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया और धमकी दी कि अगर सिपाहियों पर गोली ना चलाई तो वो हमारे बच्चों को मार देंगे। तो ये उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए किया, तो आपके शौहर बेकसूर थे? वो मासूम थे। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने अपने दो वफादार सिपाही खो दिए और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए। सुल्ताने मौसम, छापा मारे बादशाह। अगर वो हथियार उठाते हैं तो क्या हमें हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई की इजाजत है? इजाजत है। क्या आप इसे साबित कर सकती हैं? ये वो खत है जिसमें हुक्म तहरीर किया गया था। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो बच्चों को मार देंगे अगर हमने उनकी बात ना मानी। जाइए खवातीन, जाइए। हमने ऐसी गलती कैसे की पाशा? ये मेरी गलती है सुल्तान। ये आपकी गलती नहीं है। हमने आपको हुक्म दिया था और आपने उसकी तामील की। ये हमारी जिम्मेदारी थी और ये हमारा कसूर है पाशा।